आप सभी को फिल्म बीवी हो तो ऐसी याद ही होगी। इस फिल्म में वैसे तो रेखा और फारूक शेख लीड रोल में थे, लेकिन सलमान खान भी अहम भूमिका में दिखे। कायदे से ये उनकी डेब्यू फिल्म थी, पर क्या आपको वो हीरोइन याद है जिसने इस फिल्म में सलमान की प्रेमिका का रोल अदा किया? ये लड़की सलमान के लिए इस कदर पागल थी कि सलमान के लिए अपने सीने पर गोली भी खा लेती है। भोली सूरत और झील सी गहरी आंखों की मल्लिका सलमान की ये प्रेमिका थी एक्ट्रेस रेनू आर्या। लेकिन आज ये हीरोइन कहाँ है और किस हाल में है, क्या इसकी किसी को खबर है? शायद नहीं। लेकिन सालों पहले एक फ्लाइट में सलमान खान की मुलाकात रेनू आर्या से हुई थी और इसका जिक्र उन्होंने एक इंटरव्यू में भी किया था। सलमान के मुताबिक रेनू आर्या काफी बदल चुकी थी और उन्हें पहचाना मुश्किल हो गया था। लेकिन आज रेनू आर्या कहाँ हैं और किस हाल में हैं या क्या कर रही हैं, किसी को कोई खबर नहीं है। क्या फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी शख्स ने या फिर सलमान ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की होगी? बीवी हो तो ऐसी जब हिट हुई तो सभी के करियर को बहुत फायदा हुआ, खासकर सलमान खान के करियर को। इसी की बदौलत उन्हें फिल्म मैंने प्यार किया मिली। लेकिन रेनू आर्या तो जैसे छोटी मोटी भूमिकाओं में ही सिमट गई। कहने को तो रेनू आर्या ने सलमान खान, रेखा और फारूक शेख जैसे दिग्गज एक्टरों के अलावा श्रीदेवी, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना तक के साथ काम किया, लेकिन वो सफलता उन्हें नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। उनकी आखिरी फिल्म 1991 में आई थी। इस फिल्म का नाम था बंजारन। फिल्म फ्लॉप रही और तब से रेनू आर्या कहाँ है किसी को पता नहीं।